हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स फैब। आज हम हेमिस्फेरिकल डिसेंट के बेसिस के बारे में जानेंगे। हेमिस्फेरिकल डिसेंट का एक मैंने प्रोफाइल ड्रॉ किया है यहाँ पे एक एग्जांपल देखने के लिए। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट टर्म्स होती है जो हमारा वेसल बनने वाला है उसका आईडी क्या है। यहाँ पे मैंने ये दिखाया हुआ है आईडी इनसाइड डायमीटर, ये प्रोफाइल का रेडियस आर और इसका हाइट कितना रहेगा। मेजर टर्म्स ये तीन ही टर्म्स है जो हेमिस्फेरिकल डिसिजन में आती है। इसमें जनरली एसएफ रिक्वायर्ड नहीं होता है। तो अब हम जानेंगे कि इसका रेडियस हाइट कैसे कैलकुलेट करते हैं। इसका रेडियस सिंपली जो इसका डायमीटर है इसका हाफ इसका रेडियस होता है और इसका हाइट ही इसका रेडियस होता है। अगर हमें इसका ब्लैंक डायमीटर निकालना है प्रेस पे देने के लिए हेमिस्फेरिकल डिश बनाने के लिए, तो इसका सिंपल सा एक फार्मूला हो जाएगा पाई बाय टू इंटू आई डी। एक एग्जांपल देखते हैं, उससे समझते हैं क्या है ये। कंसीडर करते हैं, हम एक मीटर आई डी का डिसीजन लिया है। इस हिसाब से एक मीटर आई डी का रेडियस हो जाएगा 1 मीटर बाय 2, यानी 500 mm इसका रेडियस हो जाएगा और इसका हाइट इक्वल टू इसका रेडियस होता है, इसलिए इसका हाइट भी 1 मीटर हो जाएगा। इसका ब्लैंक डायमीटर आएगा, पाई का वैल्यू होता है 3.142, उसका हाफ इंटू आई डी करोगे तो 1571 mm, ये हमारा ब्लैंक डायमीटर हो जाएगा। बस यही टर्म्स है जो हेमिस्फेरिकल डिसिजन में इम्पोर्टेंट है। ठीक है, शुक्रिया, थैंक यू फॉर वॉचिंग।